हे गुड मॉर्निंग माय डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द स्टडी एनिमेटेड यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आइज, तो इसके बारे में हम लोग फुल स्टडी करेंगे, वो भी 3D एनिमेशन के साथ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ह्यूमन आइज जो है स्फेरिकल शेप का होता है और उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का होता है। हमारे ह्यूमन आई का पूरा डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का होता है, मीन्स यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और एक बेसिकली एक सेंस ऑर्गन है जो कि लाइट को सेंस करता है और हमें विजन प्रोवाइड करता है, मतलब चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। हमारी ह्यूमन आई जो है लगभग 10 मिलियन कलर्स में डिस्टिंग्विश कर सकती है, मतलब कि 10 मिलियन कलर्स में जो है कि अंतर ये पहचान सकती है। हम लोग को बेसिकली लगता है 7 ही है, लेकिन सब जो है मिक्सअप करके होता है बेसिकली कलर्स का। तो इसमें हमारी ह्यूमन आइज में 70% जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं, वो 70% सेंसरी रिसेप्टर हमारी ह्यूमन आइज में पाए जाते हैं। और हमारी ह्यूमन आइज जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। रियल इन्वर्टेड से मतलब कि जैसे ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो है कि वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनाती है, उल्टी इमेज जो कि ब्रेन बाद में करेक्ट करता है। ये रहा रेटिना, इस रेटिना के ऊपर जो है कि ये, या इसी रेटिना के ऊपर जो है ये इमेज बनाती है और वो उल्टी भी होती है और रियल मीन्स जो है कि रियल मीन्स जो है कि वो स्क्रीन पे बन रही होती है, इसीलिए उसे हम रियल कहते हैं। रियल इमेज वो होती है जो कि एक स्क्रीन पे बनती है और एक और वर्चुअल इमेज, जैसे कि वर्चुअल इमेज जो है कि स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि मिरर में जो इमेज बनती है, और रियल इमेज वो होती है जो कि हमें मिरर पे मतलब किसी भी स्क्रीन पे पाई जा सकती है। तो हमारी आई जो है कि रियल इमेज बनाती है। हमारी ह्यूमन आई जो है आई सॉकेट्स में पाई जाती है जो कि स्कल में प्रेजेंट होता है। ये जो सर्कुलर जो है कि आई मीन स्फेरिकल जो कैविटी है, इसी में हमारी ह्यूमन आईज प्रेजेंट होती है, जो स्कल में इन्हीं दो कैविटीज में हमारी ह्यूमन आईज प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आई के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, तो आउटर स्ट्रक्चर में उसमें आईलिड्स होती हैं, ये वाली आईलिड्स होती हैं जो कि ये आईलिड्स होती हैं जो कि आईज को कवर करती हैं। जैसे जब आप पलक झपकाते हैं तो आईलिड्स हमारी जो है उस पर आके कवर बनाती हैं, और फिर उसके बाद जो कि बार बार ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। आईलिड्स बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। और फिर आईलैसेस जो होते हैं, ये हेयर्स जो है कि आईज के ऊपर होते हैं, जो कि ये हेयर्स जो है कि आईलेसेस कहलाते हैं। और ये सब जो है, ये आईलेसेस जो है कि फिल्टर भी करते हैं, फिल्टर ऐसे फिल्टर का भी काम करते हैं, एयर जो है या फिर आउटर पार्टिकल्स जो है कि जो आँखों तक ना पहुंच सके जल्दी, जो नुकसान ना पहुंचाए आईज को। एक्स्ट्रा बोले तो टीयर ग्लैंड्स, फैट ग्लैंड्स और एक्स्ट्रा आउटर मसल्स भी होती हैं कुछ, और कंजक्टिवा भी होता है जो कि स्किन का एक थिन लाइन है। तो कॉर्निया के बगल में हमारा कॉन्जक्टिवा स्क्लेरा प्रेजेंट होता है, कॉर्निया के बगल में स्क्लेरा प्रेजेंट होता है। ये व्हाइट पार्ट को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट को हम लोग कहते हैं। इसमें और बाकी सब मतलब ह्यूमंस को छोड़ के अगर हम लोग बाकी सब जानवरों की बात करें, लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, उनके जो है कि हमारा जो ह्यूमन आइज में होते हैं, जो लेंस होता है हमारा ह्यूमन आइज का जो लेंस है वो जेली लाइक होता है, जेल के जैसा होता है और वो एकदम जैसे कि सॉफ्ट होता है। लेकिन जो हमारे फिशेस, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स की बात किया जाए तो उन सबके पास जो है कि रिजिड लेंस होता है, जैसे कि एकदम उनका लेंस जो है कि एकदम स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे नॉर्मल लेंसेस होते हैं वैसा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वो हार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें भी अगर एडजस्ट करना हो, उसमें भी एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन मीन्स जो है कि हमारा जो लेंस है, हमारे ह्यूमन आइज में नॉर्मली जो लेंस है वो जो है कि एकोमोडेट अपना फोकस जो है कि चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स अप डाउन होती हैं जिसकी वजह से फोकस भी होती है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर की और पास की चीज़ें देखने में आसानी होती है। लेकिन जो है कि एम्फीबियंस और फिशेस में जो है कि उनका लेंस जो है हार्ड होता है, तो वो जो है कि हमारे जैसे जेली टाइप का नहीं होता, तो उसे स्ट्रेच करके या फिर उसे हम कंप्रेस करके उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते जो फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं। तो उन लोग का जो है कि रेटिना मूवेबल होता है, जो कि रेटिना जो है कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, आई मीन जो है कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कभी रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो है कि वो भी फार दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं अपने रेटिना के बारे में, मतलब मीन्स ह्यूमन आई की रेटिना के बारे में। तो वो इनरमोस्ट लेयर होती है रेटिना आई की, जैसे कि ये है, ये रेटिना है, इसके ऊपर ही हमारी जो है कि इसी के ऊपर जो है हमारी इमेज बनती है, इसके ऊपर ही हमारी जो है कि इमेज बनती है जिसको हम लोग देख पाते हैं। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके सबसे फ्रंट में एक कॉर्निया होता है, जिसमें ये कॉर्निया जो है कि एकदम आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी आईज की, जिसके ऊपर जो है कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ये पूरा ब्लू पार्ट जो है कॉर्निया है, और इसके बगल में ये स्क्लेरा पाई जाती है, इस वाइट पोर्शन को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया के बाद आता है हमारा आइरिस, ये जो ब्राउन पार्ट है, आई मीन जो हमारे आईज जो कलर प्रोवाइड करता है हमारे आईज को, वो जो होता है हमारा आइरिस होता है।
इस पोर्शन को हम लोग, इस पोर्शन को आयरिस बोलते हैं, ये आयरिस पोर्शन है। उसके बीच में जो ये छेद होता है, आई मीन जो ये होल होता है, उसे हम लोग पीपिल कहते हैं। इस पीपिल 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 से ही जो है कि लाइट पास होती है और जो है कि लेंस पर जाके पड़ती है। इसके बाद पीपिल के बाद आता है हमारा आई लेंस। ये रहा हमारा आई लेंस, जो है कि जो कॉन्वेक्स टाइप का आई लेंस होता है हमारे आईज में, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं, लेंस होता है हमारे आईज में। हमारे ह्यूमन आईज का जो लेंस है वो रिजिड नहीं होता जैसे कि बाकी के नॉर्मल लेंसेस होते हैं। ये एक जेली लाइक लेंस होता है जो कि जिसका फोकल लेंथ हम बार बार जो है कि चेंज कर सकते हैं। हमारे ह्यूमन आईज के का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ जो है सिलियरी मसल्स जो है चेंज कर सकती हैं जो कि उसे होल्ड की होती हैं। तो हमारे लेंस लेंस के बाद हमारा आता है रेटिना, जिसके ऊपर हमारी मेन इमेज बनती है। और उसके बारे में तो मैंने पहले बता दिया था कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये बेसिकली ये स्वेट ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स हमारे आईज के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर्स जो होती है हमारी आईज की, जो है कि सबसे अंदर की लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना। तो रेटिना के ऊपर ही हमारा सारा खेल होता है, मीन कि सारा इमेज जो बनती है वो रेटिना के ऊपर ही बनती है। रेटिना जो है कि इनर मोस्ट और सेंसिटिव लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर्स मीन्स जो लाइट पे जो लाइट को सेंस करते हैं सब वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली दो दो टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स जो कि दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन आई की रेटिना पे पाए जाते हैं। रॉड्स जो है, रॉड्स सबसे पहले रॉड्स की बात करते हैं। तो रॉड्स जो है सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, मतलब कि लाइट अगर जो कम होती है जब अंधेरे में, जब आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं या फिर अंधेरे रूम में चले जाते हैं तो रॉड्स जो है काम करते हैं। ये थोड़ी मतलब कि लेस मतलब कम लाइट में भी जो है अपना काम कर देते हैं, ठीक है। और हमारे आईज में ये हर जगह पाए जाते हैं फोबिया को छोड़कर। फोबिया एक फोबिया, यहाँ पे हम लोग जो है कि बेसिकली यहाँ पे जो है कि रॉड्स नहीं पाए जाते हैं। और हमारी एक एवरेज रेटिना में लगभग 125 मिलियन रॉड्स पाए जाते हैं। और अब कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स भी जो है कि एक फोटो रिसेप्टर ही है जिसमें जो है कि जो ये भी लाइट सेंसिटिव है जो कि बट ये ब्राइट लाइट में काम करता है। जबकि जब भी लाइट आप नॉर्मल जैसे डे टाइम में आप जो चीज़ें देखते हैं तो अपने कॉन्स की वजह से जो कॉन्स जो फोटो रिसेप्टर है वो डे टाइम में एक्टिवेटेड रहते हैं जो कि रेटिना के एकदम आसपास पाए जाते हैं। रेटिना के एकदम सेंटर में पाए जाते हैं जो है कि एकदम क्लस्टर के फॉर्म में, मतलब कि एकदम एक ही एक के ऊपर एक के पास एकदम नज़दीक नज़दीक में पाए जाते हैं फोबिया पे। रेटिना के सेंटर को हम लोग फोबिया कहते हैं, जहाँ पर यहीं पर बस रॉड्स नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पे कॉन्स पाए जाते हैं। और ये सब जो है कि रॉड कॉन्स जो है हमें कलर को जो है पहचानने में मदद करते हैं और हमें एकदम अच्छा भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो है कि हम अंधेरे कमरे में देखते तो उतना साफ नहीं देख पाते हैं जबकि जब रॉड्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब डे टाइम होता है तो हम लोग एकदम अच्छे से व्यूज को देख पाते हैं और अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कौन सा कैसा कलर है और कैसे वो मतलब कि कोई चेहरा किसी का देखते हैं तो कैसे पहचान लेते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ 5 मिलियन ही पाए जाते हैं, जबकि कॉन्स जो है हमारे आईज में आईज की रेटिना में सिर्फ 5 मिलियन ही होते हैं, लेकिन रॉड्स जो है 125 मिलियन होते हैं। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, अगर हमें लाइट कम है और देखना है हमें फिर भी तो उसकी मतलब कि लाइट भी कम है तो हमें ज़्यादा एरिया चाहिए होगा देखने के लिए। और ये सब कम एरिया कॉन्स जो है कम एरिया में भी काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें तो पहले से ही प्रॉपर लाइट मिल रही है। फोबिया जो है कि एक डिप्रेशन की जैसा होता है जो कि डिप्रेशन टाइप का होता है, फोबिया उसे कहते हैं हम लोग। ये लेंस के एकदम अपोजिट में पाया जाता है और यहाँ पे जो है कि केवल कॉन्स ओनली कॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, रॉड्स एक भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसका काम होता है एकदम क्लियर इमेज बनाना, एकदम क्लियर इमेज यहाँ पे बनती है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स होते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्लियर इमेज तो बनेगी। और इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट या फिर उसे ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना में एंटर करती है। ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन को जो हमारे आईज से जोड़ती है उसे हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये रही ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व जो है हमारे ब्रेन से जो है ब्रेन को जोड़ती है आईज से। ये ऑप्टिक नर्व जो है यहां से एंटर करती है। ये ऑप्टिक नर्व इस होल से एंटर करती है यहां से और जो है कि ऑप्टिक नर्व जो है यहां से एंटर करती है। तो देखो यहाँ पे सारी जगह पे रॉड्स दिख रहे हैं, कॉन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे रॉड्स और कॉन्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन बस इसी पॉइंट पे यहाँ पे ना रॉड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं, बाकी सब गायब होता है। बाकी सब जगह पे रॉड्स और कॉन्स मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो है बस ना कॉन मिलेगा ना ही रॉड, यहाँ पे दोनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं। ऑप्टिक नर्व बेसिकली जो कि नर्व्स का बंडल होता है, ये सब जो है कि ये सब जो बाकी सब एक्स्ट्रा
जो ये नर्व्स दिख रही हैं, जो एक्सटर्नल नर्व्स दिख रही हैं, ये सब ऑप्टिक नर्व्स से आते हैं आ रही हैं। ये जो कि ऑप्टिक नर्व बस एक नर्व नहीं है, उसमें बंडल्स होते हैं जो कि 1 बिलियन नर्व्स के बंडल फाइबर, 1 बिलियन नर्व फाइबर के बंडल्स होते हैं जो कि विजन मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन तक, हमारे रेटिना से ब्रेन तक एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि और ब्रेन तक ले जाते हैं, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में जो है कि ये ले जाते हैं हमारे ह्यूमन के। मान लो कोई इमेज बनी यहाँ पे जो कि रियल और इन्वर्टेड है, फिर यहाँ से कोन्स और रॉड्स काम अपना काम करते हैं जो कि इमेज को जो है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देते हैं, और फिर वो जाती है ये नर्व्स के थ्रू, इस नर्व के ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन में, विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में जाती है, और वहाँ पर ब्रेन उसे रीड करता है और हमें इमेज दिखाता है। रेटिना में भी वही ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो नॉर्मल पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजन लेके जाती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं, और वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, आई मीन यहाँ से कार्बन को लेके जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड को, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन को लेके जाती हैं। रेटिना पर भी जो है, रेटिना पर जो हमारी जो है लाइट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर जो है कि हमारा क्लियर वाटरी फ्लूड होता है जो कि हमारे आई लेंसेस और कॉर्निया को नॉरिश करता है, उसमें नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उन्हें फूड सप्लाई लाइक जो है वो देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे कॉर्निया में सबसे ज़्यादा, कॉर्निया जो फ्रंट पार्ट होता है, कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। लेंसेस पर भी रिफ्लेक्शन होता है लेकिन सबसे ज़्यादा कॉर्निया में ये आई का रिफ्लेक्शन, कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन लाइट का कॉर्निया पे होता है, लेंसेस पर नहीं होता है। लेंसेस पर भी रिफ्लेक्शन, आई मीन कॉर्निया का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन लाइट का बेंड होना, सबसे ज्यादा लाइट बेंड होती है हमारे कॉर्निया पे, लेंसेस पर जो है कि जाके थोड़ी सी वो बेंड हो जाती है और फिर रेटिना पे इमेज बनती है। तो एक्वियस ह्यूमर उसी को जो है कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है कॉर्निया को और लेंस को, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, इधर इस रीजन में प्रेजेंट होता है एक्वियस ह्यूमर। एक्विवेस में एक्विवेस आ रहा है यानी कि वाटरी होगा, ये तो पता ही चल गया बात में। यहाँ पर आई एकदम लेंस के एकदम बगल में, यहाँ पे इस रीजन में इसके ऊपर कॉर्निया होगा, इसके ऊपर यहाँ पे जो है कि वाटरी फ्लूइड होगा जो कि एक्विवेस ह्यूमर कहता है, जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है विट्रियस ह्यूमर, लेंस के पीछे, लेंस के बाद और रेटिना से पहले जो कि जो फ्री स्पेस है यहाँ पर पूरा जो है कि विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। ये भी एक क्लियर जेल लाइक फ्लूइड होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे आईज को, मीन्स उसका सेप भी बनाए रखता है, और उसे जो कि हमारे आई के रेटिना को पार्ट को कोलैप्स करने से, मतलब कि आपस में चिपकने से बचाता है, उसको सेप प्रोवाइड करता है और मैग्नीफाइंग पावर को भी इंक्रीज। सो अगर हम लोग ह्यूमन आई की वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले लाइट की रेज आती हैं, लाइट की रेज कॉर्निया पे पड़ती हैं, कॉर्निया पे पड़ने के बाद आइरिस से होते हुए हमारे लेंसेस पर आती हैं, फिर लेंसेस पे सीधे जो है कि रेटिना पे इमेज बनाती हैं, और रेटिना पे इमेज बनती है हमारी, जैसे कि ये जानती है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। रेटिना पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, फिर यहाँ से रॉड्स ऑफ कॉर्न अपना काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करते हैं, और वो हमारी जो है कि ऑप्टिक नर्व जो है कि ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है, वहाँ पे ब्रेन रीड करता है और हमें आउटपुट देता है हमारे विजन के थ्रू, जो कि 0.1 सेकंड में हमारी आई जो है कि रिफ्लेक्स में रिस्पॉन्ड करती है। तो ह्यूमन आई के बारे में तो पढ़ लिया, उसकी कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली डिजीज है हमारी, या फिर डिफेक्ट, डिजीज नहीं डिफेक्ट समझ लीजिए, ये डिफेक्ट होता है, कुछ डिजीज बाद में देखेंगे। सो हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई में जो होने वाले बेसिकली डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया। मायोपिया वो डिफेक्ट होता है जब आप जो है कि, इसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, इट मीन्स जो है कि यहाँ पर जो है कि दूर की चीज़ें जो है कि दिखाई नहीं देती हैं, मीन्स लोगों को, जैसे कि जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो एजिंग एज्ड पीपल होते हैं, वो जल्दी जो है कि दूर की चीज़ें को क्लियर नहीं देख पाते हैं, तो वो सब उस कंडीशन को हम लोग मायोपिया कहते हैं। इसलिए ये जो ये तब हो सकता है जब हमारी जो आईबॉल की साइज इंक्रीज जाए, ताकि मान लो फोकस उसका सेम है लेकिन अगर आईबॉल की साइज इंक्रीज हो गई तो वो रेटिना पीछे चली जाएगी, लेकिन इमेज तो अपना आईबॉल, जब हमारे लेंस का जो फोकस रहेगा वो तो वही रहेगा, मीन्स वो वहीं पे इमेज बनाएगा, वो आई के आगे ही इमेज बनाएगा। अगर ये रेटिना जो है कि रेटिना ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, यहाँ तक कर लिया और इधर तक कर लिया उसने, रेटिना मान लो एक्सपेंड हो गई और यहाँ पे यहीं पे इसका फोकस है, तो यहाँ पे अपना इमेज बनाएगा, तो इमेज अगर यहाँ बनाएगा और रेटिना से पहले बना देगा तो वो इमेज तो हमारे रेटिना पे बनेगी नहीं, इसलिए क्लियर विजन नहीं होगा। या तो आईबॉल इंक्रीज हो जाए या फिर हमारे लेंस का फोकल लेंथ जो है छोटा हो जाए, यानी कि वो जो कि मतलब सिलियरी मसल्स ने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका फोकस छोटा हो जाएगा, फोकस अगर छोटा हो गया तो इमेज भी पहले ही बनाएगा वो,
तो इससे भी ये डिफेक्ट हो सकता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस, डॉक्टर्स जो है कॉनकेव लेंसेज का प्रेफरेंस करता है। और सेकंड डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। मीन्स हमें अब दूर की चीज़ें तो दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज़ें हमें साफ नहीं दिखाई देंगी। तो ये भी सब एजिंग के डिफेक्ट्स होते हैं। ये इसमें भी जो है कि इमेज जो है कि इसमें रेटिना वो पहले मायोपिया में रेटिना के पहले बन रही थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है रेटिना के बाद में बनती है, यहाँ पे इधर पीछे बनती है, फोकस यहाँ पे चला आता है इसका। मीन्स जो है कि लेंस जो है रिलैक्स कर देता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर देता है, तो उसका फोकस जो है कि मीन्स पतला हो जाता है थोड़ा, तो उसका फोकस पीछे चला जाता है। या फिर रेटिना कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो अंदर आ जाती है, तो उसका फोकस फिर भी फोकस तो सेम, मतलब फोकस सेम ही रहता है, रेटिना कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो भी तो उसकी इमेज पीछे ही बनेगी। उस फिर दूर की चीज़ें जो है साफ दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी। फिर इसके बाद आता है प्रेसबायोपिया, एजिंग से होता है ये, एजिंग का डिफेक्ट है। मीन्स एज के साथ साथ जो हमारे आई के लेंस की एकोमोडेशन पावर, मीन्स फोकल लेंथ को चेंज करने की पावर जो है कि डिक्रीज जाती है, तो अपना जो है कि दूर की चीज़ें नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए वो जो कि एकोमोडेट मीन्स चेंज नहीं कर पाता है फोकल लेंथ को अपनी, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें नज़दीक की चीज़ें दोनों ही देखने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए बाइक फोकल लेंथ जो है कि प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स, या फिर कभी कॉन्वेक्स लेंसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये होता है बेसिकली जो कि इलास्टिसिटी जो है कि हमारे लेंस की जब लॉस मीन्स की है। और जो फोर्थ डिफेक्ट है वो एक कैटरैक्ट है, ये बेसिकली डिजीज भी कर सकते हो, डिफेक्ट भी कर सकते हो। जब हमारे लेंस के ऊपर व्हाइट कलर का क्लाउडिंग जो है कि मीन्स व्हाइट कलर का कोई लिक्विड जो है कि हमारे लेंस के ऊपर जो कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे लेंस से जो है प्रॉपर लाइट पास नहीं हो पाती है और हमारा जो विजन जो है एकदम डिक्रीज होता है, साफ नहीं दिखाई देता है। इसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ये एज मीन्स बूढ़े लोगों में, मीन्स जो एज ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये येलो ब्राउन पिगमेंट होता है बेसिकली, लेकिन वाइट कलर का दिखता है हमारे ह्यूमन आइज के ऊपर।